ओके आप सभी को दिखाई दे रहा है माय फैमिली चैप्टर टू। यस मैम। ओके सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ओके रीडिंग सोनम पहले आप करो फिर रुकैया। ओके मैम। सोनम शुरू करो फिर। यस मैम Our family is an important part of our life. We are incomplete without it. A family is a group of people who are related to each other. It consists mainly of parents and their children. ओके तो इन्होंने बताया जो हमारी फैमिली है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, और इस फैमिली के बिना हम इनकम्प्लीट हैं यानी अधूरे हैं। और यस ए मैम। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटिव इच अदर, यानी रिलेटिव में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं। ओके जी पेरेंट्स मैम। एंड देयर चिल्ड्रन। अब नीचे लिखा है मदर और फादर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हस्बैंड वाइफ यहाँ पर मम्मी और लिखा हुआ है, मम्मा थोड़ा सा पापा मैम देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हस्बैंड वाइफ अच्छा फादर मम्मा पेरेंट्स को आप हस्बैंड वाइफ सॉरी बोलोगे या पेरेंट्स सॉरी बोलोगे, मैम सॉरी मैम सॉरी मैम और ब्रदर सिस्टर को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स 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 या। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रदर सिस्टर को क्या बोलते हैं और मदर फादर को क्या बोलते हैं। ओके ओके मैम। यहाँ से हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज। सबसे पहले हमारा है न्यूक्लियर फैमिली, इसको यहाँ तक रीडिंग करो, कोई भी एक बच्चा रीडिंग, कोई भी एक बच्चा रीडिंग शुरू कर दो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाया करो आप सब। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर आर फॉर्म अ लविंग हेलो मैम। हेलो, फैमिली गुड आफ्टरनून भारती। गुड और आफ्टरनून मैम। नर्सर फैमिली में इन और स्मॉल नर फैमिली फादर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जो मदर पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं वो साथ में रहते हैं उनको बोलते हैं, जैसे माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं और वो दोनों साथ में रहते हैं तो यस उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और ए न्यूक्लियर फैमिली मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो क्या होती है, माता पिता और बच्चे। ठीक यस ओके ठीक है रुकैया आप यहाँ से रीडिंग करो। ए न्यूक्लियर फैमिली में भी बिग और स्मॉल, मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली हो बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। ओके अब यहाँ से शुरू करो रुकैया आप। इन अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली देयर न्यूक्लियर मदर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली फादर मदर एंड वन वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ हाउस। ओके इसमें बताया है इन ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल छोटे वाली होती है, फादर मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन मतलब वो साथ में रहते हैं एक घर में। न्यूक्लियर जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली यानी हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, आपकी स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है, तो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, माता पिता और उनके एक या दो बच्चे, और वो तीनों या चारों साथ में घर में रहते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। ओके ओके मैम। अब यहाँ से यहाँ तक करना है भारती, रीडिंग करो। इन अ बिग न्यूक्लियर फैमिली ब्रदर फादर मदर एंड मोर देन टू चिल्ड्रन लाइव लो टू टुगेदर
in the house. Okay, in a big nuclear family, मतलब जो बड़ी nuclear family होती है उसमें कौन कौन होता है? Mother, father and more than two children. More का मतलब क्या होता है? More than मतलब और. More than मतलब एक से ज्यादा. और चिल्ड्रन रहते हैं इसमें देखो लिखा है वन और टू लेकिन यहाँ पर मोर देन लिखा है मोर देन टू मतलब टू से भी ज्यादा चिल्ड्रन तो अगर वो सब रहते हैं मतलब दो से अगर ज्यादा बच्चे होते तो उनको हम बोलते हैं बिग न्यूक्लियर फैमिली. ओके ओके मैम. यस मैम. ये याद रखना आप सारे. अब हमने न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली हमने कर लिया है एंड न्यूक्लियर फैमिली कर लिया है जिसमें पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन मतलब रहते हैं साथ में तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. ओके ओके मैम. और बिग स्मॉल में भी हमने देख लिया है. ओके अब हम करेंगे जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली हाजरा रीड करो. ए फैमिली विद पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजन्स लिविंग इन ए वन हाउस is called a joint family. A joint family is a large family. Okay, इसमें जो joint family है, उस joint family में कितने members हैं? Parents हैं यानी माता पिता, then grandparents हैं यानी उनके माता पिता, माता पिता के माता पिता, फिर uncles हैं यानी जिनको हम हिंदी में चाचा बोलते हैं, uncle aunt है, cousins हैं यानी हमारे चाचा चाची के बच्चे और वो सब साथ में रहते हैं एक घर में तो उसको हम बोलते हैं joint family. तो आपको ये याद करना है. मैं पूछूंगी व्हाट इज जॉइंट फैमिली या जॉइंट फैमिली तो आपको बोलना है ए फैमिली विद पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजन्स ठीक है लिव इन ए हाउस इन ए कोल्ड ए जॉइंट फैमिली. आपको यहाँ तक ये याद रखना है ठीक है. ओके मैम. हाँ ये आपको तो लर्न भी करना है ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी आएगा. अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं. अब हमें ये पता चल गया कि जॉइंट फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं. जॉइंट फैमिली में माता पिता होते हैं उनके बच्चे होते हैं और माता पिता के माता पिता होते हैं और जो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे होते हैं और उनके बच्चे के बच्चे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मतलब इसको हम बोलेंगे लार्ज फैमिली. ओके तो हम आते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली. यहाँ से यहाँ तक आप लोग अलीना रीडिंग करो. यस मैम. हाँ रीडिंग करो और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. स्केल नहीं वो ए ए ए है. ए ए सिंगल पेरेंट फैमिली कौन कजन्स ऑफ वन पेरेंट्स ऑफ ओके कोई बात नहीं मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें बताया है कि ए सिंगल पेरेंट आई होप आप इसको समझ रहे हो. एक सिंगल पेरेंट का मतलब होता है या तो ओनली मम्मा या तो ओनली पापा यानी दोनों में से कोई एक ही कोई एक बच्चे को संभालता है ठीक है. जैसे मॉम अकेली है तो उसके वो एक बच्चे को संभाल लिए तो ये क्या है ये सिंगल मदर है सिंगल पेरेंट है ठीक है. ये सिंगल पेरेंट फैमिली है मतलब कि या तो इसको पिता संभालेंगे या तो इनको मम्मा संभालेंगी तो दोनों में से अगर कोई एक संभालेगा सिर्फ एक तो उसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली. ओके ओके मैम. ओके मैम. सो ओनली टू पार्टिसिपेंट इसमें सिर्फ टू मेंबर्स होते हैं. ओके ओके मैम. अब हमारा यहाँ पर फैमिली के बारे में बताया गया है ये आप लोगों को ये रीड करना है तो अपने आप ही करो. फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर हैप्पीली बिकॉज़ दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर. ओके इसमें है मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं जितने भी फैमिली के लोग हैं मतलब परिवार के लोग हैं लिव टुगेदर यानी साथ में रहते हैं और वो क्या होता है हैप्पीली रहते हैं. क्यों हैप्पीली रहते हैं? क्योंकि उनमें प्यार होता है और एक दूसरे की केयर्स होती है. जी ठीक. अब ये एक एक मैं आप लोगों को समझाती हूँ.
आवर मदर गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब हमारी जो मम्मा है वो अर्ली यानी बिल्कुल सुबह 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 उठ जाती है मॉर्निंग में. ओके फिर ये क्या करती है, खाना बनाती है होल फैमिली यानी पूरी फैमिली के लिए. ओके समथिंग सम टाइम फादर ऑल्सो हेल्प मदर इन द किचन, जब हमारे पिता को जब हेल्प मिलती है टाइम होता है तो वो क्या वो मम्मा के साथ किचन में हेल्प करते हैं, होता है ना. यस अब यहाँ पर हमें रीड करना है. ओके यहाँ से कोई बच्चा रीड करो. मैं करती हूँ. We also help our parents by sharing their work, keeping clean our rooms and cupboards. We help our parents whenever possible. Okay. जो हमारी मतलब हम मदद करते हैं parents की काम को share करने में, और हम करते हैं अपना घर साफ करते हैं और जो कबर्ड्स होते हैं उन्हें साफ करते हैं, और मतलब हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं व्हेन एवर पॉसिबल, जितना हमसे हो सके हम उतना पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. आप सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो? यस मैम मैं करती हूँ. ओके गुड. ओके रुकिया रीड करो. Grandfathers are our parents, mothers and grandparents are our parents, mothers and fathers, uncles and aunts are our parents, brothers and sisters, cousins were their children. तो इन्होंने इसमें बता रखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो हमारे माता पिता के माता पिता होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स आर आवर पेरेंट्स यानी हमारे भी माता पिता लाइक मदर एंड फादर यानी माता और पिता, और अंकल्स यानी जिन्हें हम चाचा बोलते हैं, और आंट्स जिसे हम आंटी बोलते हैं यानी चाचा की वाइफ को चाची. ओके आर आवर पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स के ब्रदर एंड sisters, cousins are their children. Okay, अब हमारे यहाँ पे आ गया our relatives. Yes, ma'am. हम अपने relatives क्या होते हैं? रिश्तेदार relative. We have many types of relatives. Okay, यहाँ से यहाँ तक भारती read करो. यस मैम करती हूँ. मैम ये आगे का नहीं आ रहा. पेरेंट पर्सनल रिलेटिव आर दोस रिलेटिव्स हाउ आर फ्रॉम फादर इज सिड. ओके okay. तो बताया कि जो पर्सनल रिलेटिव होते हैं यानी पर्सनल हमारे रिश्तेदार जो होते हैं ओके तो हु आर फ्रॉम फादर साइड जो फादर के साइड होते हैं तो जो फादर के साइड होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं. यहाँ पर है यहाँ पर देखो सब कुछ बना हुआ है. ओके ओके भारती यहाँ से रीड करो. ओके मैम यहाँ में ये मेन है हमारा कि वो पूछे थे मदर के वो पूछे थे कि जो फादर के साइड होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, और ये पूछे हैं जो मम्मा के साइड होते हैं वो क्या लगते हैं, जो मदर के साइड होते हैं वो क्या लगते हैं हमारे. Relatives are those. यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं. यहाँ पर आपको मैच करना है. यहाँ ए है मैच द यहाँ पर आपको ये मैच करना है ए से बी. तो आपको ये देखना है फादर्स फादर्स तो आपको देखना है फादर्स फादर क्यों बताना नहीं है किसी को भी. मदर ब्रदर आपका मम्मा
आगे भाई क्या लगेंगे. मैम इसको मैच करना है. हाँ हाँ बिल्कुल. और मम्मा मैं के मम्मा स्क्रीनशॉट ले लूं. फादर की सिस्टर क्या लगेगी यहाँ पर, सबको करना है जितने भी यहाँ पे. ओके मैम, ओके मैम, ठीक है मैम, करते हैं मैम. गुड मैम, स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करना है. या या स्क्रीनशॉट करके और कंप्लीट करने के बाद भेजना है. ओके मैम. यस सलीना. मैम इसमें करना क्या है बेटा? मम्मा मम्मा की मम्मा का भाई आपके क्या लगेंगे यहाँ पर दे रखे, यहाँ पर आपको मैच करना है. यहाँ पर दे रखे मम्मा के भाई आपके क्या लगेंगे, मम्मा के मम्मा क्या लगेंगी, और पापा के सिस्टर आपकी क्या लगेंगी, और फादर के फादर क्या लगेंगे, और यहाँ पे आपको मैच करना है. ओके मैम, लेकिन मैम मुझे ना इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा. कोशिश करो समझने की. ओके okay, सोनम का आ गया मेरे पास. भारती नॉट कंप्लीट. मैम मैं आ नहीं रहा. अलीना आपने तो एक ही में कर दिया, गलत है. तो मैम कैसे करना था? सबसे पहले आपको ये देखना है आपके जो पापा हैं उनके पापा आपके क्या लगेंगे. वो लगेंगे आपके ग्रैंडफादर. यस मैम. वो लगेंगे ग्रैंडफादर. तो सी पे ये हो गया. मैंने तो इस वाली का साइड ही ले लिया. परमान ने 2000 रुपए दिए थे ना? नहीं आपने एक ही में जोड़ दिया ना, ऐसे जोड़ दिया ना मदर. हमारा ठीक था. मदर क्या लगेंगे? हमारी ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर. मदर के ब्रदर हमारे क्या लगेंगे? पर्सनल अंकल. मैटरनल पर्सनल अंकल. अंकल. और सिस्टर के अपना अंकल. सिस्टर के आंट. मैम आंट आपने गए अगले महीने दिवाली में सिस्टर का आंट पे जाएगा. क्या आंट पे जाएगा? मैम यस मैम. 11 के बाद मां तो चलेगा ना. छोटा पैराग्राफ है उसे हम रीड करते हैं. हजरा रीड करो. हेलो. हाँ हजरा रीड करो. इन्हें फैमिली से. इन ए फैमिली वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स. वी शेयर अवर जॉयस एंड स्वैरो with family members. We should always respect our family members in manner.
ओके तो इसमें लिखा है कि जो इन्हें जो फैमिली है वो क्या करती है, वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, हम अपनी फैमिली से बहुत सारी न्यू चीजें सीखते हैं, जैसे मम्मा से हम चाय बनाना सीखते हैं, कॉफी बनाना, पूरी बनाना, काफी कुछ। वी शेयर आवर मतलब जोक्स, हम जोक्स अपने शेयर करते हैं, और फैमिली मेंबर जो होते हैं शुड ऑलवेज मतलब हमें ऑलवेज सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी फैमिली मेंबर्स में सबका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, चाहे वो कोई भी हो, आपसे बड़े हो छोटे हो, सबके रिस्पेक्ट करने चाहिए, रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए, ओके? यस मैम, यस। अब हमारा यहाँ पर आ गया टेक द करेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट हमारा है बी, इनकम्प्लीट विदाउट अवर, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये आपका टेस्ट है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किसके बिना हम इनकम्प्लीट है, और ऐसे ही ये आप कोई बच्चा बोलेगा नहीं, बस वो फिल कर देगा, फिल नहीं करना है, जस्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन इसको ऐसे ऐसे कर देना, और इन दोनों के यहाँ पर है, यहाँ पर जिसको टिक करना हो, तो मैं इसको अभी छोटा करती हूँ, जिससे आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कम्प्लीट करके भेजना, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन वन से फोर तक, ये करके भेजना है आपको। मैम मैंने तो दे दिया। ओके सर। मैम अभी भेजना है? यस यस क्लास वर्क के। ओके मैम। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? मैम मैंने आपको साइन कर ओके अब मैं चेक करती हूँ
सोनम आपने अच्छा ठीक है, और सारे बच्चे भी जल्दी जल्दी ठीक सेंड कर दो। मैम मैं सेंड कर दी। मैम मेरा सही है। मैं चेक कर रही हूँ अभी, पहले मैंने सोनम का किया है, सोनम का सही है, अलीना का देखती हूँ। अलीना आपने तो बहुत ही ज्यादा गुच्चू मुच्चू कर दिया है। मैम गुच्चू मुच्चू? हाँ मतलब काफी गड़बड़ कर दिया है, मैं बताती हूँ। ओके देखो अलीना, आपको करना था कि इसमें सबसे पहले है, सबसे पहले इसमें है वी आर इनकम्प्लीट विदाउट आवर, तो आपको इसमें से देखना था रिलेटिव है, फैमिली है, पीपल है, चिल्ड्रन है। तो ऑब्वियसली हम इनकम्प्लीट है अपनी फैमिली, फैमिली अगर हमारे पास नहीं है तो हम इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं हम। हम मतलब इनकम्प्लीट है फैमिली की ये, तो हम फैमिली को टिक करेंगे। तो आपका आंसर ये सी आना था और आपको बस ऐसे टिक करना था। ओके तो ए यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये खाली है। फिर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली, तो ये है हमारा न्यूक्लियर, तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली लिखेंगे, यानी हम सिर्फ टिक करेंगे। ओके तो बस ऐसे करना था, आपने बस थोड़ा सा अलग कर दिया, बाकी सब ठीक है। हजरा का भी ठीक है और रुकैया का भी ठीक है, भारती का भी ठीक है। ओके तो ये हमारा हो चुका है फिल इन द ब्लॉक। अच्छा ये बॉक्स फिल करने हैं, मैं इसको भी छोटा कर देती हूँ, फिर आपसे भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम मैं स्क्रीनशॉट मैम ऊपर वाले का लेना है, दोनों का लेना है, दोनों का लेना है, दो का लेना है। ओके मैम ये भी अभी करना है? नहीं नहीं ये होगा क्या? इसमें आपको क्या करना है कि ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स Using the help box. ये आपका help box है, इसमें चार words, ये चार आपको दे रखे हैं और ये fill है, मतलब ये है खाली जो जगह है इनको भरनी है जिसपे सही sentence आए। तो आपने लेने पाए क्योंकि नीचे का दिख नहीं रहा। मैंने जब किया था जब ही आपको लेने के लिए कहा था मैंने, अब ले लो। ओके अब अभी ले रही हूँ। ले लिया मैम। ओके तो ये आपको पता चल गया, ये आपको फिल करना है इसमें, ठीक है? और ये सी वाला क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स है, तो आपको देखना है आवर फैमिली इज नॉट ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अगर ये सही है तो आप टी लिख देना यानी ट्रू, और अगर ये गलत है तो इसमें एफ लिख देना यानी फॉल्स, यानी ये गलत, ठीक है? ओके अब हमारा डी वाला जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें लिखा है व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली, व्हाट इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली। आपको डिफरेंस बताना है पेरेंट एंड रिलेटिव्स में, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपको। ऑब्वियसली इसका स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को लेने के लिए कह दिया था। नोटबुक में करना है या ये ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू फॉल्स वाला तो आप लोग इसी में करोगे, और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ये भी आप नोटबुक में करोगे और ये भी आप नोटबुक में करोगे। बाकी अलीना आपको प्रॉब्लम है तो आप मतलब को भी आपका हाथ पूरा ठीक नहीं हुआ तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है तो आप फिर नोटबुक में कर लेना, ठीक है? आप सारे को नोटबुक में सारा करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। पीडीएफ फाइल बना के भेज देना। ओके ओके मैम। बाय बाय। क्लास हम एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय।